Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी में करीब 6 साल पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। मुख्तार अंसारी का पूरा सिंडिकेट ध्वस्त करने की लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का खौफ यहाँ के अफसरों से लेकर प्रतिद्वंदी माफिया गुटों पर अभी भी बरकरार है। ताजा मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत से जुड़ा है। अब्बास अंसारी से जेल के अंदर उनकी पत्नी निकहत का लगातार मिलना बेहद गंभीर मामला है। साफ है कि जेल के बड़े अधिकारियों के मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है और इस मामले में बांदा जेल में लंबे समय तक किसी सुपरिटेंडेंट की तैनाती नहीं होने के पीछे के कारणों को भी साफ कर दिया है। मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाए जाने के बाद से बांदा की जेल में बंद हैं। करीब 1.5 साल बाद बांदा जेल को सुपरिटेंडेंट मिला है। राज्य में योगी सरकार होने के बाद भी कई अधिकारी यहां ट्रांसफर होने के बाद भी चार्ज लेने नहीं पहुंचते थे। डिप्टी जेलर के कमरे में अब्बास की पत्नी से होती रही मुलाकात। चित्रकूट जिला कारागार रंगोली में बंद विधायक अब्बास अंसारी को उनकी पत्नी निकहत अंसारी से चोरी छिपे मुलाकात कराई जा रही थी। कहा जा रहा था कि यह मुलाकात लंबे समय से हो रही थी। डिप्टी जेलर के कमरे में ही अब्बास और निकहत की मुलाकात होती थी। अब्बास के यहाँ आने के बाद पत्नी निकहत बानो ने चित्रकूट में किराए पर मकान ले लिया, लेकिन पूरे दिन वह जेल के अंदर अब्बास के साथ रहती थी। और अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में एक अलग ही घमासान मचा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की इतनी तगड़ी सरकार है, जिस तरीके से लगातार पुलिस बाहुबली माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी का कुछ इस तरीके का खौफ है कि अधिकारी भी उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों इस तरीके के अधिकारी मदद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।